जो तू बोल रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए थी कौन सा है 17 10 स्क्वायर ऑफ द 6 एलिमेंट्स पहले मैं एक बार 16 की थोड़ा एक पार्ट करा देता हूं एक पार्ट करा देता हूं एक पार्ट वैसे तो मैंने था क्वेश्चन ना क्लासरूम कॉपी में लिया है सेम पैटर्न का कि लेकिन मेरे को एक पता नहीं आज थोड़ी ऑब्जर्वेशन अच्छी लग रही थी तो मैं मुझे लगा सॉल्यूशन अच्छा जा सकता है 16 किसी ने कैसे कि वो अपने व्यू रखने का अच्छी बात कर रही है दो टॉपिक है ये एडवांस का पेपर तो है नहीं कल और उसके लिए मैं फिर बोलूंगा पहले तो मैथमेटिक्स रीजन स्ट्रॉन्ग करके कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कन्वर्स क्या होता है पांच क्वेश्चन सीधा 20 नंबर आएंगे 5 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बाकी आपने अपना हिसाब करते रहना और मोनोटोन रेडी स्ट्रोंग कर लेना कॉपी पढ़ लेना एक्सरसाइज 1 कर लेना मोर देन इनफ है कुछ ओनली मोनोटोन सिटी भैया रोज रोज एलएम मीटिंग तो आएगा मोनोटोन सिटी में क्या क्या आता है पता है ना हां सर ठीक है तुमको आई थिंक 16 का एक पार्ट कराने में प्रूफ कराने में इंटरेस्ट लग रहा हूं इसको प्रूफ करते हैं सर ठीक है कैसे अपने आईडिया का अगर प्रूफ करने का -2x पहले x दूसरे सेट में इसके अपॉन माना इसको f(x) मान लिया हां आई थिंक मैंने f(x) जैसे निकाला अब ओरली डेरिवेटिव करना सीख जाओ 2x -2 1 plus ln -2 ln ये डेरिवेटिव यस सर पक्का सही है यस सर ये मेरा अपडेट चेक आया मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता कि मैं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है देखो अब मेरी आदतें देखो डेवलप करा रहा हूं मैं तुमको जब मैं f' से कहीं नहीं बोल पा रहा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग तो पंकज सर कैसे सोचते हैं और ये जेई मेंस की प्रॉब्लम में तो लग ही जाएगा जब तुम्हें f' थोड़ा फील ना दे पाए ना तो तुम डबल डैश पे जाओ ठीक है डबल डैश तुमने किया 2 -2 / x है अच्छा किस किस x के लिए बात चल रही है प्रोपोर्शन में ये जो प्रूफ करना है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूफ करना है मुझे बताओ ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है पक्का हां सर ये वाला पॉजिटिव आने वाला है ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है कि मेरा f डबल डैश x क्या होने वाला है ठीक है ना डैश x f डैश x क्या होने वाला है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हां समझ में आ रहा हां अरे पॉजिटिव हो गया x से बढ़ेगा ये हां ये इंक्रीजिंग हुआ और पंकज सर को ये समझ गए f' x इंक्रीजिंग है अच्छा मुझे बताओ अब मैं कैसे सोचता हूं अरे नमन देख ले इधर देख ले उड़ जाएगा और ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है कि जेई मेंस के सवालों में ऐसे सीधा सीधा लगेगा तेरा ध्यान कहीं और है मैं तुमको सिखा रहा हूं कि f' x से सवाल को कैसे लेके जाना ऊपर तो मेरा f' x क्या मैंने प्रूफ कर दिया क्या श्योर हो गया f' x इंक्रीजिंग f' x पॉजिटिव है इससे मैंने क्या प्रूफ कर दिया f' x इंक्रीजिंग है तो मुझे बताओ कि क्या ये f' 1 से बड़ा होगा मिशन क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए बात चल रही है सोच पा रहे हो तो ये मैंने बोला कि f' इंक्रीजिंग है और 1 से बड़े के लिए f' x इंक्रीजिंग है f' x का जो भी ग्राफ होगा उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी f' 1 अब f' 1 की वैल्यू कोई ओरली बताया 0 आएगी ठीक है ना ये आ गई 0 f' 1 देगा ना इसका मतलब तुम्हारा तुमने प्रूफ कर दिया उल्टा स्टार्ट करो डबल डेरिवेटिव से मैंने क्या बोला कि f' x इंक्रीजिंग है
यदि f dash x इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू मतलब एटलीस्ट f dash x greater than 1 के लिए मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी 1 पे f dash 1 पे ना और ऐसे जैसे f dash 1 पर रखी तो प्रूव होगा कि ये वाला f dash x पॉजिटिव है इससे क्या प्रूव हो गया चमक गया ये थॉट प्रोसेस तुम्हें आईडिया एक और मेरे पास अच्छा पता नहीं मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था मैंने बोला कि पता नहीं क्यों मेरे में ऐसे आज ही मैं अभी जस्ट सोच ही रहा था मैंने कहा क्यों ना ऐसा करें इस प्रॉब्लम को कि जो सर की हालत होती है कि दो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन देते सर को तो सर क्या करते हैं अलग अलग कर देते ना मान लो मेरे पास यही क्वेश्चन है ना मान लो ऐसा समझो एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है ये ऐसा टाइप का है ना तो सर क्या करेंगे एक्स उधर भेजेंगे तो सर के पास क्या एक्स ग्रेटर देन 1 है ना तो चला भी जाएगा पॉजिटिव है तो सर ने छुट्टा पा लेते x माइनस 1 बाय x तो सर को ये थोड़ा पढ़ने में पता नहीं क्यों इजी लगा 2 ln x सोचो है ना ज्यादा क्लियर है ना तो गलती तो नहीं मेरी अब सर को इंटरव्यू ये प्रूफ करना है ना अरे ये प्रूफ करना है ना सर को पता नहीं क्यों ये अभी तो तुम भी समझोगे सर को ये वैल्यू निकल रहा है डेरिवेटिव से कर रहे ना टू बाय एक्स I think ये कोई सबको परफेक्ट से बनता हुआ नजर आ सकता है क्या? हाँ सर। 1 x माइनस 1 का 1 माइनस 1 by x का। ये तो डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ी। सर यहाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, प्रूव हो गया। दोनों अप्रोच क्लियर है? यस सर। जिनका मेरे से अच्छा सॉल्यूशन है उनका वेलकम नहीं तो आप दोनों नोट कर सकते हो कल पेपर में कुछ भी हो जाए यदि 80 नंबर से कम आ गए समझ रहा मुझे नहीं रस्सी तो रखड़ के दिख गया ना मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ के ना रस्सी से बांध दूंगा पीछे पूरे सिटी में घुमाऊंगा करते हैं क्या 80 नंबर या पर्टिकुलर 100 नंबर का पेपर है 100 नंबर हां 25 क्वेश्चन है ठीक है और 1 आ रहा है 1 घंटे का ही हां 1 आ रहा है 2 घंटे के एमसीक्यू क्लास होंगे आवाज नहीं आ रही है मैं कल क्लास मैं भी लेना चाहता लेकिन मैं कुछ लास्ट संडे मेरा वो अहमदाबाद चला गया तो मेरी नींद ही इनकम्प्लीट हो रही तो मैं कल एक्चुअली हमारे भी गई होंगी हैं तुम रहन दो तुम्हारे तो तुम्हें 2 घंटे तुम्हारी इस क्लास ही मेडिटेटिव में शर्म करो ये अच्छा क्वेश्चन था मेंस लेवल का क्वेश्चन है अब तुम थोड़ा मैनिपुलेशन करना सीख जाओ यार थोड़ी थोड़ी देखो मैं जिस क्वेश्चन के लिए तो लिखने वाला डू योरसेल्फ वो है 21 हां सर हो गया उसमें कराया मैंने ना हां मैंने जितने पूछ लिए उतना उड़ा दूंगा मैं 19 को उड़ा दूंगा 19 21 और आई थिंक 18 में पूरा मेंटी दे दी डबल डेरिवेटिव से करना है हां उसके बाद 18 ऐसा ही है जैसे डबल डेरिवेटिव से गया ना वो बोलता क्या कि डबल डेरिवेटिव 18 हो गया ना किसी को नहीं हुआ चलो अच्छा तो ये तीन सॉल्यूशन नहीं कराने वाला था पर ऐसे 22 मुझे लगता है इजी लग रहा है 22 भी हो गया इजी डन नोट कर लिया 70 ना कोई मुझे बस डेरिवेटिव हेल्प कर दे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सर डेरिवेटिव फाइनल बताओ क्या रहा है उनको मैं इरेस्ट कर दिया बस तेरी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए ना हां सर पक्का सही है बताओ sec x - 1 द होल क्यूब अरे मुझे सिंपल डेरिवेटिव हाई फाई डेरिवेटिव नहीं मैंने फाइनल आंसर अरे क्या तुमने डेरिवेटिव सही मैंने सही लिखा क्या सोचो एक बार रुको रुको मैंने गलती होगी क्या मेरी अभी सही है यस सर अभी आई थिंक तुम्हारे भाई का कहीं गलती है तो मुझे बोलो पहले नहीं सर नहीं सही है सर तुम्हारा भाई ना थोड़ा कमीना निकला इस सवाल में मैं एक्चुअली मेरे को भी दो तीन मिनट लगे थोड़ा सोचने में इसके आगे मैं बच्चों को एकदम से जैसे नहीं समझ रहा फिर तुम्हारे भाई ने सोचा तू ना 2 sin x कॉमन लिया था हां तुम्हारा भाई 2 sin x कॉमन लेता ना और तुम्हें कॉमन लेने की अकल है यदि sin x कॉमन लिया एक cos बचा यस sec क्यूब x देखो तुम्हारा फेवरेट ना माइनस 3 sec स्क्वायर तो माइनस ले रहा था माइनस 3 कितना आया sec स्क्वायर अरे अरे sec x अरे वो भाव दोनों दोनों हां ठीक है उसमें भी 3 आया प्लस कितना
अरे ऐसे जल्दी जल्दी लोग अगर हो गया वो तो क्या वैसे ठीक है अब ये फिर क्या प्रूफ करना मुझे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ना हाँ। ये तो हमेशा सेक तो हमेशा एक से बड़ा होता है हाँ। फोर्थ में तो ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है हाँ। ये नेगेटिव है तो ये जो मेरे f of x मारा था ना पूरा गंदा सा पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है सॉरी ये वाला फंक्शन है ना डिक्रीजिंग नहीं आएगा अरे साइन भी नेगेटिव है ना फोर्थ में नेगेटिव होगा साइन भी नेगेटिव है अरे f of x ये वाला था ना तुम बता मतलब तुम सवाल ही पढ़ते हो ये तुमने माना ना अरे ये सवाल है ना तो ये f dash x क्या है अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना सही है सॉरी डन तो ये मेरे प्रूफ कर दिया कि मेरा f dash x क्या है पॉजिटिव तो f of x क्या है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है तो एटलीस्ट f of 2 पाई से क्या होगा छोटा f of 3 2 पाई से क्या होगा छोटा छोटा सही है ना से छोटा होगा ना इंक्रीजिंग अरे नहीं मतलब ये 2 पाई रखने से आ रहा क्या अच्छा सर 2 पाई सर ये वो 30 हां बोल बोल मेरी एरर भी होती है सर वो माइनस 2 sin x कॉमन लिया तो sec cube x हां उसे क्यूब माइनस sec cube था और प्लस वन आता ओ हां वो इसलिए 2 कॉमन लिया था सर तो ये एरर को प्लस और ये माइनस माइनस 3 sec अरे फिर अभी लेकिन ये सही लिखा अपन ने वो माइनस आगे छूट गया अरे एक एक पावर धीरे धीरे कम होगी ना ये पहले लिखना चाहिए वो बाइनोमियल में याद है एक तीन ये सी तो सही लिखा है यहाँ पे क्या होगा ये क्या आ रहा है लेस देन जीरो तो मुझे याद रहता तो होता कि अब मुझे बताओ कि एफ ऑफ टू पाई ये उल्टा हो गया इंक्रीजिंग है तो किससे वैल्यू बड़ी होगी ग्रेटर देन टू पाई से ना बस खत्म हो गया अब ठीक है हां ये बस उसमें सोचना इस सवाल में सोचने के पैसे काम मिलते हैं क्यों बना तूने बना तो लिया था कुछ वही तो बोल रहा था हां मेरा भी शाबाश 18 नहीं कराने वाला किसी भी एंगल से फिर भी इंटू देता हूं बाय डबल डेरिवेटिव करना डबल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब डी बाय डी क्या आ रहा है इंक्रीजिंग आ रहा है इसी को यूज करते हो रहे बस 19 भी ऑलरेडी क्लासरूम कॉपी क्वेश्चन है 20 क्या 20 सर मैं बताऊं 20 में मेरे का एक्स सब समझ आता ना तो बदतर मौका मिलेगा लेकिन मैं पूरा एग्जिट किल करा दूंगा तुमको लोगों ने मोड पाने की जरूरत है हां ना यही बात हो रही ना और तुमको पता है कि बी ए से बड़ा करके हां तो मोड खोलते हैं तीन केस आएंगे शाबाश सेम सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन रखेंगे ताकि तीन केस में पहला केस क्या आएगा दोनों से छोटा होगा माइनस एक्स माइनस ए का क्यूब माइनस एक्स माइनस बी का क्यूब ए कब आएगा एक्स लेस देन ए समझ में आ रहा है जब और यदि ए और बी के बीच में रखें कुछ आगे वाला तो पहला वाला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा इसमें तुमने बोला सर आपकी आप कैलकुलेशन करने से पहले हम कैलकुलेशन करते हैं मैंने बोला कैसे तुमने बोला सर हम आपके साथ स्मार्ट हो गए हैं तो ये अब हम पेन कम चलाते हैं तुमने बोला 3 आएगा फिर स्क्वायर आएगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर को कैसे टैकल करते हैं पता ना ए प्लस बी माइनस बी तो अच्छा तुमने बोला सर 3 आएगा ए प्लस बी तो आई थिंक 2x माइनस ए प्लस बी है ना मेरी कैलकुलेशन एरर हो सकती है ए माइनस बी बी माइनस ए बी माइनस ए आ रहा है क्या हाँ सर सही है क्या हाँ सर सही आई थिंक ये वाला फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है हाँ
ए और बी में बड़ा पॉइंट दिख रहा है ना बी से, तो तीसरा क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है ए कॉमन से भाई 3 है ना। अब तुमने फील करो एक बार कि क्या आ रहा होगा, ए तक ग्राफ डिक्रीजिंग है इसी ए से बी के बीच में। देखो एक बार ये कौन से वेक्टर तक ए प्लस बी बाय 2 डिक्रीज करेगा, सोच रहे हो क्यों और डिक्रीज किया तो ये तो पॉजिटिव है। ए प्लस बी बाय 2 के बाद ये क्या करेगा इंक्रीज, फिर और इंक्रीज करेगा। किसी गलत पूछो कि मिनिमम वैल्यू कहां में मिलेगी, क्या बोलो क्वालिटी का एकदम रुको अरे एफ कल ना पेपर में भी जेई कल का सिल में एफ हटाने का क्या तरीका है, उसने यदि बोल दिया देखो यहां पे क्या दे रखा है एफ डबल डैश क्या दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, क्या करता है एफ डबल डैश क्या दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या है इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स1 इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स2, एक्स1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एक्स2। ये एफ कल भी एफ वाले सवाल मिलेंगे एक दो, एफ हटाने का तरीका समझ में आ रहा है यदि पता है कि इंक्रीजिंग है तो उसके अंदर वाली वैल्यू क्या होगी इंक्रीज मतलब बड़ी होगी। दिवाली से पहले मुझे एटलीस्ट 1 लीटर तो खत्म कराना है, 2 लीटर बढ़े हैं एओडी और आज जैसे भी तुम्हें कौन सैटरडे नाइट को बुलाता थोड़ी तुम्हें, पहले क्या था साथ में तुम्हें मेरे वाले बोले घर पे रहो और कोई 22 नहीं करने वाला। 22 में डेरिवेटिव करो यार, क्या ए पैरामीटर वाला क्या ना चाहिए अलग कर लेना, एक डेरिवेटिव करके कॉमन लेगा ना तो एक फैक्टर आ जाएगा एफ डैश एक्स जहां 0 होता है उसको हटा देना 22 में, या तो एक अच्छा सॉल्यूशन है सॉरी ये दूसरा 2 इयर्स है एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव sin x cos x sin x 2 a / 3 अरे पूछने लायक नहीं है, हो जाएगा मुझे 23 कराना ही है इसलिए मैं करा रहा हूँ। 23 में देखो पहले तो मुझे कुछ कुछ मेरी आदतें बताना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, लेकिन जब जेई का पेपर देने जाओगे ना कुछ सवालों में सिर्फ ग्रेटर ही लगाना पड़ेगा कुछ में इक्वल टू 0। इस सवाल में देखो एफ डैश एक्स देख के क्या तुम्हें लग रहा है कि लीनियर आएगा, अरे एफ डैश एक्स कांस्टेंट आएगा जीरो कपड़े उतरे डेरिवेटिव करता था साइंस का प्लस कॉस 4 तो ये इंस्टेंट पे जीरो होगा ना, सेट ऑफ इंटरवल पे जीरो होगा, बहुत सारे होगा हां नहीं बहुत सारे होगा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना चाहिए या मुझे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना चाहिए? जेई में तुम फंस जाओगे और खासकर एडवांस में f dash x मैंने सोचा b स्क्वायर प्लस कितना ये आया ना f dash x को सबको निकालना आता है इनको नहीं आता बेटा उनका मैं बैकअप क्लास पर बैठा डन यस अब मुझे क्या प्रूव करना हो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर की आदत है सर क्या करते हैं दो अलग अलग टाइप के फंक्शन देखते हैं अलग अलग करते हैं अब जब जिस तरीके से सर सॉल्व करेंगे ना वो ज्यादा चाहे तुम्हारा सवाल हुआ है नहीं हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम आगे डेवलप कर लोगे ना तो सुखी रह जाओगे बी स्क्वायर ये कितना ए ये क्या ए माइनस वन प्लस बी इंटू टू इज ग्रेटर देन कितना माइनस ऑफ कितना मुझे यदि मैं इसकी ये छोटा है सॉरी ये बड़ा है ये छोटा है मैं छोटे की बड़ी वैल्यू निकाल दूं तो मेरा हो जाएगा अब एक्चुअली मेरा पता है तुमको क्या मैं भी जेई में इसकी मैक्सिमम मैं पूछ लेगा तो तुम कभी फैल जाओगे अब तुम्हारी आदत है देखो तुमने बोला सर अपने कोशिश को टी माना टी स्क्वायर मान लो ना तो मतलब भावना समझो कोशिश क्या मान लिया टी तो टी के बाद कहां से कहां देगा माइनस डी बाई फोर से सवाल बन गए क्वाड्रेटिक का जो पूरा क्वाड्रेटिक से करने वाले हैं टी स्क्वायर माइनस वन सॉरी टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर और टी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जीरो से वन आई थिंक तुमने बोला सर आपको ग्राफ बनाने में चिंता करो आप आपकी आदत क्या है ग्राफ बनाओगे कौन के अब कौन के डाउन डाउन अरे टी के बाद डन अब अपने को बताओ इसका वर्टेक्स देखते हैं तो माइनस बी बाई टू है कितना होगा हाफ शाबाश देखो ये बच्चे समझने लगे अभी मेरी आदत है ना अब देखो जीरो से वन के भी अपने इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक है जीरो से वन ना मुझे नहीं पता ये टच करेगा जीरो से वन कोई भी कॉमन सेंस करने वाला बच्चा बता देगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे करोगे जीरो से वन हाफ पे सोच पा रहे हो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू में क्यों इंटरेस्ट है ये भी पता चल गया ना ये बड़ा है छोटा तो छोटे के लिए बड़ी वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा नहीं तो तो तुमने हाफ रखी कितना आ रहा है अरे हाफ माइनस वन माइनस वन बाय फोर कितना माइनस थ्री बाय डन तो अभी तुम्हारे सवाल क्या बन गया बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन बी और वो कितना बन गया 11 बाय 4 हां तो स्कोर रेटिंग उसी से हो गया ठीक है और क्वाड्रेटिक तुम बोलते हो क्वाड्रेटिक में रिवीजन कराओगे लो मैं इधर ही करा दे रहा हूं अरे समझ में आ रहा है ना आपका सर हां सर अब मुझे बताओ एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और कौन के बाप है तो या तो ये वाला कंडीशन होगा या तो एक कट D less than equal to क्या करने का? मतलब सॉल्व करोगे ना A की कंडीशन A पे रहेंगे ना D मतलब B स्क्वायर B का काम कौन करे यहाँ पे ये A minus one A minus one का स्क्वायर minus two minus eleven less than equal to zero अब आगे हो जाएगा पहले उधर और भी इजी है मेरे लिए तो आगे का क्वेश्चन इजी ना A minus one का स्क्वायर less than equal to four मतलब लेस देन इक्वल टू हां रूट 11 हां 1 प्लस रूट 11 1 माइनस तो अभी थोड़ा आगे डालोगे कि एक तो सर सर की अच्छी आदत है कि सर ऐसे दूसरा फंक्शन उधर ले जाते हैं और ये क्वालिटी का अच्छा हां नोट करो 24 तुम्हारा भाई वाला चले करेगा हो गया 20 डेरिवेटिव डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी क्लास इनो कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है दोस्तों यो नीचे बारे इसलिए क्या दोस्तों
दो तरीकों से कर सकते हैं, एक और तूने किया वो मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है ये वाला, तूने जो x डिवाइड कर दी नीचे तेरे को दिख गया क्या दिख गया x plus 1 by x, अदरवाइज लाइन बाय क्वार्टिक रेंज निकालने के लिए भी तरीका होता है, y मानते हैं याद करो क्वार्टिक में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका d ग्रेटर इक्वल टू क्या करते थे 0 रियल रूट्स के लिए, सही है पहले डेरिवेटिव कर ले बोला एओडी रिवीजन करा देगा तुम्हारे सारे चैप्टर्स के, और जिन लोगों को बहुत टफ लग रहा है जिनको लोग उड़ रहे हैं ना मैं सही बता रहा हूँ थोड़ा तुम पुश करो अपने आप को, 7 दिन तक तुम एक बार हार्डवर्क करो इस क्लास में सर्वाइव कर लेंगे, 8वें दिन तुम्हारा मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा, और बहुत लगता है तो एक सॉल्यूशन वाली बुक ले लो कोई भी जिसमें क्वेश्चन हो सामने नीचे उसका क्या सॉल्यूशन, 15-20 क्वेश्चन देख लो मॉडर्न यूनिवर्सिटी के, तो फिर तुम लगेगा अच्छा ये करता है सर ये खा जाते हैं पर मेरा खाना जरूरी है क्योंकि पेपर वाला हरामी है। तो अगले साल तुमने जूनियर पूछेंगे ना कि फंगस कैसे बढ़ाते हैं, फिर वो मिश्रा सर जैसे मेरा नाम ना चल जाए, वैसे मिश्रा सर में क्या होता है उनका बदनाम कर रखा है कि सर क्या करते हैं बिजली छुड़वाते हैं, 10th में मिश्रा सर है ना, हाँ। उनकी मार्केट में इमेज कैसी है कि वो सर मेरे को पता ना कि सर क्या बीच में छुड़वा देते हैं कभी भी कुछ ले लेते टॉपिक उनकी, लेकिन उनकी लाइन जो सरवाइव कर जाएगा तभी तो सरवाइव कर रहे हैं ना, वो दिखता है वो अरे घर बैठे ट्यूशन होती है ना जैसे एक लेडी के पास चले गए जो एक दो रूम में बिठा के पढ़ा रही है फिर तुम क्लास वर्क लिखा होमवर्क लिखा उसे उसे फायदा क्या होता है तुमको समझ में तो आ जाता है लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या होता है तुमको वही सेम टाइप के सवाल देते हैं फिर अगले दिन होमवर्क मिलता है वो भी मिलता नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरी अपडेट चेक में हेल्प कर दो बस, बाकी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा आगे, फिर मुझे अपडेट चेक में हेल्प कर दो। कोई अच्छा अच्छा जो कल तेरा लास्ट में क्या आया अपडेट चेक भैया लोगों ने कैलकुलेशन किया मैंने नहीं किया सही है ये ग्रेटर जीरो लेस देन जीरो है वो तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलूंगी करके दिखाऊंगा वैसे मैं करने नहीं वाला अब मेरे इतने बेकार दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारा भी नहीं आए कि मैं कर पाऊं। अब निश्चय अंदर क्लियर है निश्चय निश्चय बोला कि सर आप एक्चुअली रिवीजन कराने के मूड में हो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो अब सर सर इसकी कौन सी वैल्यू में इंटरेस्ट रखते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा ना इसकी छोटी वैल्यू में इंटरेस्ट रखते हैं ठीक है ना आपने उल्टे बोल दिए सही बोला ना। तो अभी अब मेरे को एक चीज बताओ तुमने बोला कि सर या तो आपके अगर आप हमारे सही में रिवीजन कराना चाहते हो तो आप लाइन बाय क्वालिटी से निकालोगे मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करूंगा लेकिन इसमें मेरे को सॉल्यूशन लंबा जा रहा है लेकिन मैं कर देता हूं ताकि याद आ जाए कि लाइन बाय क्वालिटी की रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन चैप्टर में भी बताया गया था ठीक है। और उससे अरे मैं क्यों y - 2x + y = 0 y में इक्वेशन बन जाएगी
अरे बी स्क्वायर इससे आ जाएगा ना, कुछ गलती हो सकती है मेरी कैलकुलेशन में ना, देख लेना मेरे साथ सही होगा लग गया। ए माइनस बी लगाऊ ना ए प्लस बी बेबी कर बन जाएगा एक बार साथ साथ। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये फिर अच्छे सवाल में दिखेगी, जेई मेंस में भी दिखेगी, एडवांस में पता नहीं ये फंक्शन कितनी बार पूछ लिए गए। आई थिंक एक्स डिवाइड करने में उनको मजे आते हैं। वो ये देखो अब तुम बोलो सर आपको कैसे क्लिक करते हैं वो कॉमन से होता है। हम ब्रो अब इस ये फंक्शन तुम्हारा जान मतलब तुम्हारा संबंध स्पेशल तुम्हारी लाइफ में ना, तुमने बोला कि सर एक्स प्लस वन बाय या तो किसे छोटा होता है और या फिर किसे होता है सही चल रहा है और तुमने उसे वन ऐड कर दिया ठीक है सोच रहे हो। अब कोई नंबर का कोई नंबर किससे माइनस वन से छोटा है मतलब वो नंबर कहाँ से कहाँ होगा माइनस इंटू से माइनस वन, उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक जाएगा कोई नंबर माइनस वन से माइनस इनवर्टी से माइनस वन है जीरो तक से माइनस तो उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक जाएगा माइनस वन से जीरो। थैंक यू बेटा और तुमने बड़ा सा टू से मल्टीप्लाई भी कर लो या इधर देखो कोई नंबर तीन तीन से इनफिनिटी के बीच में लाइन करता है उसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक जाएगा जीरो से लेकिन जीरो पे जीरो दे सकता हूँ चेक करो अरे जीरो रखे देखो ना तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई यदि मैं इतने सवाल पूछ लूँ फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन माइनस टू से कहाँ तक माइनस वो भी करें डॉट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना ये माइनस डन तो अभी इसकी मैक्सिमम अभी किसकी क्या चाहिए अपने को वैल्यू मिनिमम चाहिए क्या तो ये माइनस टू उधर क्या तो कितना देगा प्लस फाइव सबने ऐसे किया था क्या नहीं हुआ अब फिर वापस हो गई तुम्हारा फेवरेट सवाल एक क्वार्टिक क्या है लेस देन जीरो है दोनों रूट के बीच में आंसर आएगा इसमें बी अरे बी के बारे में निकाल लेना इसे फैक्टर कर लेना ना अरे b minus something less than zero भी कर बनाना हो जाएगा ना ऐसे आंसर आ जाएगा मुझे मैंने परफेक्ट सिस्टम बनाया अच्छा b minus 5 by 2 whole square plus something is done और नेगेटिव आ रहा है उसके बाद कौन सा 25 काफी दिनों के लोग की विजन नहीं हुई ना हो गया 25 बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि नहीं मैं चाहता हूँ कोई थोड़ा और अच्छा कर लेता हूँ 25th में तुम्हें पता लोग को भी डिफाइनिंग होनी जरूरी है हां सर जी पहले को बेस की डिफाइनिंग करनी पड़ेगी ना क्योंकि बेस वगैरह निकालनी है अपने को तो डिसर्ट खुद अच्छा देखते हैं कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन देखते हैं जो मतलब टॉपर बच्चे सॉल्यूशन कैसे देखते होंगे मतलब अच्छा ही होगा ना फिर तुम्हें हमारा दिमाग में आते हैं इधर बुद्धि वापर ना बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छे लोग करवाए दो मैंने मान ली मैं एक केस ले रहा हूँ उनका दूसरा केस सर क्या लेंगे एक ग्रेड कर मान मैंने बेस एक से छोटा मान लिया इसका मतलब सर ने जैसे एक से छोटा बेस माना लोग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है ना पूछ पा रहे ना अच्छा तुमने बोल इतने में किसी बच्चे ने चिल्ला के बोला कि सर ये जो आपको क्वार्टिक भी डिफाइन करनी पड़ेगी
तो ये क्वाड्रेटिक तुम्हारी डिफाइन होगी, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया, जीरो से फोर ए के बीच में रहने वाला है एक्स की वैल्यू, और थ्री बाई टू से टू के बीच में इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ना। मुझे एक चीज बताओ जस्ट ऐसे अपना सवाल क्या, लॉग ए फोर ए माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मुझे इस फंक्शन को इंक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग बनाना है तो मुझे तो ये तो ये वाले क्वाड्रेटिक है इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग होनी चाहिए डिक्रीजिंग होनी चाहिए, डिक्रीजिंग पक्का तो सोच रहे हो ना, सोचो ना आप इसको इधर लेके जाओगे ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो ये वाले जो वैल्यू है 4ax - x2 वो कैसे होनी चाहिए, मतलब 4ax - x2 डिक्रीजिंग होनी चाहिए, और कौन से x के लिए क्वेश्चन बोल रहा है 3/2 से 2 मुझे बताओ ये मतलब ये जो क्वाड्रेटिक का बिहेवियर देख रहे हो 2 से 2 है हां 3/2 से तो 3/2 2 नंबर है वो इस इंटरवल में इधर लाई करना चाहिए इधर लाई करना चाहिए 2 से 2 सोच पा रहे हो 3/2 से 2 किस इधर लाई करना चाहिए तो आई थिंक 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3/2 से बड़ी इक्वल टू लगा दूं हां और 4 है उससे आगे होना चाहिए तो 4 ग्रेटर देन हां सर वही बोल रहा रुको 2 से लेके 4 बाय ए तक अपनी वैल्यू होनी चाहिए और 3/2 हां और यहां पे क्या है ध्यान से ये सही है सही है तो इधर से क्या आ रहा है एक मेरे पास कहां तक आ रही है ओपन हाफ से 3/4 ओपन हाफ से 3/4 अरे 4a रखेगा ना तो इधर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ये समझ में आया आई थिंक दूसरा केस में तुम सोचो यदि मैं इंक्रीजिंग होता है ए ग्रेटर देन क्या 0 से 2 बनता है इसका मतलब 3/2 टू 2 इंटरवल वो किसके बीच में आना चाहिए 0 से 2 है तो उसमें बस इक्वालिटी एक यहां पे एक वैल्यू 1 आएगी वो नहीं लोगे तो आंसर वो दूसरा आ जाएगा इसमें देखो ऐसा सॉल्यूशन करने से क्या हुआ ना तो डेरिवेटिव से गए डेरिवेटिव कहां की पड़ी ये किससे सवाल हो गया लॉग और डोमेन रेंज से सवाल हो गया थोड़ा ग्राफिकली सोचा करो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा बस अब मेरा लास्ट फेवरेट सॉल्यूशन कौन सा 86 इसको कुछ ना इस इक्वेशन को कुछ बोलते भी हैं यार नाम मुझे चलो कौन सा कलर इक्वेशन क्या बोलते हैं ना नहीं नहीं इंजीनियरिंग में यूज होते हैं इक्वेशन आप उस दिन बता रहे थे जे से कुछ था वो आपको जेनसन इक्वेशन करती है वो तो सब लगाते हैं जब डबल डेरिवेटिव के कॉनकेविटी के बारे में पता हो और वो दूसरा डेरिवेटिव हां वही वन कॉनकेविटी के बारे में पता होता है कल सारी जेनसन लगेंगी देखना तुम लगा नहीं पाओगे और तुम ढूंढ रहे हो पूरे पूरे जेंसन कहाँ लग रही है ना लग रही तो नाम भी धक्के से लगा के आ गए जेंसन हम सुने पहले जेंसन देखो बेटा बट अब आ जाओ अच्छा सॉल्यूशन है अच्छा क्वेश्चन है सिमिलर 27 प्रॉब्लम है मुझे प्रूव करने की f(x) 24 से बड़ा है और x greater than 0 के लिए ना तो आई थिंक और ये पॉजिटिव दे रखा है मेरे पास जो f of x है वो एक्सप्रेशन कैसा
तुमने बोला कि सर आप ऐसा करोगे माइनस 24 करके AMGM में ही सोचना है कुछ और AMGM में सोचना है तो एक्स बार 10 कब बनेगा क्या लिखने वाला इधर 2 है ना 5 बार लिखो तो ये मल्टीप्लाई होंगे एक्स बार कितना बना चुके होंगे इसके बाद नहीं हो रहा पीयूष ऐसा तुम तेरे से आंसर में उम्मीद नहीं कर सकते ये 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 तुम्हारे ये क्या लिखा हुआ तुम्हारे f(x) अरे एक मिनट निकालनी है ना 24 अरे मैं भी कह रहा हूं तो 7 × s² / 4 / 1/24 हो गया डन तो दूसरा क्या रखा है f(x) से बड़ा रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 24 मुझे लगता नहीं आगे मुझे करना जरूर पड़ेगा अब कैसे निकालोगे एक वैल्यू ऊपर वाले को ऊपर वाला ग्रेटर देन 24 f(x) इससे ग्रेटर है हां f(y) 24 से ग्रेटर है तो जो ऊपर वाला है वो 24 से बड़ा है हां आंसर आ रहा नहीं आ रहा हां इक्वल करना पड़ेगा आंसर आ रहा है कितना आंसर आ रहा है 24/7 / 2 × 2 अरे ग्रेटर देन इक्वल है वो उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है इसलिए इक्वल होता है हां समझ में आ गया ना वो यस इक्वल इक्वल उसे छोटी छोटी वाली पूछी है तो उसको किसके सॉल्व कर दो 24 तो गंदा आंसर आ गया हां मैच हो रहा है हां सर पर मैच हो रहा है वो 2 इनटू लास्ट 26 सर 26 हां 6 सिमिलर ये 27 अब तुम तुम्हारे को आईडी कैसे आएगा उसका तो उधर भी इंटर रखा है ए बी स्क्वायर कर रहे ना तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय टू एक्स प्लस बी बाय टू एक्स मंडे का होमवर्क है एक्सरसाइज टू सत्रह वैसे तुमने बोला ही कि सर दिवाली से पहले हम संडे को यूटिलाइज करेंगे हम रखेंगे तो सात दिन कल तो हमारे घर वाले दोस्त का फोन आएगा नहीं बाहर निकलना है तो निकलेंगे नहीं और निकलेंगे तो डर रहेगा कि पंकज सर रास्ते में देख लिया तो हाँ मैं निकलूंगा कल को अरे तुमने बोला कि नहीं तो तुमने बोला यदि कल सर हम पकड़ेंगे तो हमारी छुट्टी दो बड़ा कैंसिल कर देना ऐसा है ना कल यदि कल मुझे किसी भी हालत में पता चला तुम कल एंजॉय कर रहे थे जो उनके लिए हाँ उनके लिए कंफर्म मैं तो क्योंकि दिवाली में जाने नहीं वाला तो ये ध्यान रखना ये बोल रहा है नहीं हाँ तो निकलते ये दो दिन का ही है डाउट तो मुझे और कल तो और भी बोलेंगे कल दिन भी मना करना सीख जाएंगे कल तो आज 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 टास्क है ये बोलेंगे हमारे लिए करियर ऊपर है कल दिन के बाढ़ में हाँ वो सीख जाएगा बोला मैं पढ़ रहा हूँ मुंह पे सब बोल देगा वो जब एक बार मना करना सीख जाएगा ना इंसान तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है ना ओम ओम मेरा हर्ष को मना नहीं कर पाता डाले हेडिंग सोम नहीं आया क्या उसके दांत में वो पूरा आ गया फ्रैक्चर हुआ बोल नहीं सकता अभी
इसलिए वो खा भी नहीं सकता, सिर्फ पी सकता है कुछ भी. पता नहीं बीमार है पर अभी. चलो एडिंग डालो. वो एंटी है टाइम है ना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ये मैं पहली बार लिखा रहा हूँ टॉपिक. इस साल पहले बस सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ अपने. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन, एक्स की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन प्लस वाई की पावर एन अपॉन में बी की पावर एन इज इक्वल टू वन एट एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट ऑन इट. मतलब एक्स वन वाई वन कम कहाँ इस कर पे लाइक कर रहे हैं. एन वाला मैं तुमको करवा दे रहा हूँ और क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा ठीक है, और बहुत शानदार तरीके से होगा. फिर तुम्हें याद आएगा कि अच्छा सर बहुत अच्छे सर है भैया. तुमको फंडामेंटल चलने वाले इंसान हो. टेंजेंट इक्वेशन क्या लिखते हो? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1. तुमने बोला सर हम वैसे ही प्रूफ करेंगे. मैंने बोला इतने अच्छे बच्चे आती है मिलना दुनिया में फंडामेंटल चलने वाले लोग हैं तो तुम डेरिवेटिव लैब्स कर दोगे ना मेरी. फिर इतने बुरे दिन तो नहीं मिल रहे डेरिवेटिव करना पड़ेगा. हाँ बताओ. चलो और हेल्प कर सकता हूँ. की पावर है ना पानी की पावर ए ये सही है माइनस में लगा दिया.